तो तुम लोगों ने यार BGS के लिए पर रजिस्टर कर लिया, बट तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आया तुम लोग को क्वालिफाई का मैचेस कब से स्टार्ट होगा, तुम लोग यार प्रैक्टिस मैच कब से करोगे, कैसे राउंड वन होगा, सब तुम लोगों को क्लियर बताऊंगा। तुम लोग वेबसाइट खोलने से कुछ ऐसा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, शेड्यूल होगा, रैंकिंग होगा, तो शेड्यूल के अंदर तुम लोग को बस मैच का यहाँ पे डेट दिखाएगा तुम लोगों को, एंड मैच कितना खेला वो दिखेगा, एंड स्टैंडिंग में तुम लोगों को यहाँ पे पोजिशन दिखाएगा, तुम लोग का यहाँ पे रैंक कितना चल रहा है क्वालिफायर राउंड के अंदर में। तो ये सब तुम लोग को अभी कुछ यहाँ पे डिनाई करके होगा, कुछ शो नहीं हो रहा, बट मैंने बता दिया कैसे होगा, तो तुम लोग पॉज करके भी देख सकते हो। एंड तुम लोग अगर क्वालिफायर का मैचेस कब कब होगा वो तुम लोग देख लो अभी। तुम लोग अगर क्वालिफायर का जो मैचेस होने वाले, सभी का मैच सेम होगा, 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में तुम लोग अगर 15 रैंक मैचेस खेलना होगा, एंड उन 15 मैच के अंदर से टॉप 10 जो तुम लोग का बेस्ट मैच होगा उसी को कंसिडर करके तुम लोगों को आगे राउंड 2 के लिए भेजा जाएगा। तो ध्यान से सुने, तुम लोग के पास में 7 दिन का समय होगा, 7 दिन के अंदर तुम लोग को 15 रैंक मैच खेलना होगा, एंड इसके अंदर कैसे तुम लोग को अच्छे से परफॉर्म करना है वो भी मैं एंडिंग में बताऊंगा। तो होने से एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना एंडिंग में जाते समय, एंड टॉप 10 बेस्ट मैच ही पिक होगा, एंड तुम लोगों को किसके साथ खेलना है, कौन सा मैच होगा, क्योंकि तुम लोग को ऑप्शनल प्लेयर भी देखने को मिल जाएगा। एंड पहले उससे पहले तुम लोग को मैं मैप बता देता हूँ। तो रैंक मैच तुम लोग सोचोगे भाई लिविक भी खेल लेंगे, मीरामा आई मीन लिविक खेलेंगे, नूसा खेलेंगे, बट ऐसा नहीं है। तुम लोगों को इरेंगल खेलना होगा, सैनोक खेलना होगा, नहीं तो मीरामार। ध्यान से सुनना, इरेंगल, सैनोक, मीरामार, क्योंकि यही 3 मैप यार टूर्नामेंट के अंदर होता है। तो तुम लोग के लिए अभी यार क्वालिफायर का जो राउंड मैचेस होगा उसके लिए तुम लोग सबसे पहले तो इरेंगल खेलो, क्योंकि इरेंगल सभी को पता है, तो उसमें 15 मैचेस के लिए पहले क्वालिफाई हो जाए, फिर प्रैक्टिस के लिए बाकी मैच खेल लेना। बट उससे पहले तुम लोग सेटिंग में जा करके आई पे तुम लोग को यहाँ पे सोशल मीडिया प्राइवेसी देखने को मिलेगा, उसमें जाकर तुम लोग जो करियर मैचेस होता है ना, रिजल्ट का जो शो होता है, सब लोग बंद करके हाइड करके रखते हैं, तुम्हें एनेबल करना, क्योंकि टूर्नामेंट के टाइम में तुम लोग को डिसेबल नहीं रखना, क्योंकि BGMI जब क्वालिफायर राउंड के लिए तुम लोग को मैचेस चेक करेगा तुम लोग को डिसेबल रहेगा, तो थोड़ा सर्वर में एरर होगा, तुम लोग को लेट रजिस्टर होगा, तो इसलिए तुम लोग एनेबल करके रखना इसे सबसे पहले। तो हो सके तो एंड टीममेट लोग का भी बोलना कि एनेबल करके रखने के लिए जब तक टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। एंड इसके बाद तुम लोग मैच किसके साथ खेलोगे, क्योंकि तुम लोगों ने यार कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी, ऑप्शनल प्लेयर जो होता है उसे भी तुम लोगों ने रजिस्टर करके रखा हो, बट तुम लोगों को ऊपर का जो 4 प्लेयर पहले से तुमने सिलेक्ट करके रखा मैच के लिए उसके साथ ही तुम लोग खेल सकते हैं। ऑप्शनल प्लेयर को तुम लोग आई मीन राउंड 1 राउंड 2 में तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर का जो 4 प्लेयर तुमने रखा हो उसके साथ ही तुम लोग को 15 मैचेस खेलने, एंड नीचे जो ऑप्शनल 2 प्लेयर होता है उसके साथ तुम जो क्वालिफाई जब हो जाओगे तब तुम लोग चेंजेस वगैरह करके उनके साथ में खेल पाओगे। तो बहुत लोगों का यही कन्फ्यूजन होता है, एंड तुम लोग को मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, यहाँ पर टिप बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसे ध्यान से तुम लोग फॉलो करना। जब तुम लोग 10 अगस्त से 17 अगस्त तक तुम लोग क्वालिफायर के लिए मैच खेलोगे, तुम लोग हर मैच में ट्राई करना, 15 मैच के अंदर ट्राई करके देखना, 1 से लेकर के तुम लोग को 3rd रैंक आना है हर मैच के अंदर ट्राई करना, एंड 10 to 15 फिनिशेस टोटल टीम का होना चाहिए। तो रैंक 1 2 3 ट्राई करना, टॉप 3 तक आने का मिनिमम ट्राई करना, 10 to 15 किल ज़्यादा हो गया फिर भी ठीक है। तो इससे तुम लोग अगर करके हर 15 मैच में अगर यही सेम चीज़ करोगे ना, क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1-2 मैच अगर तुम लोग को बिगड़ जाता है, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना तुम लोगों को, नेक्स्ट मैच बेटर करना, क्योंकि टॉप जो 10 बेस्ट मैच होगा वही तुम लोग का कंसिडर होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर यार बहुत सारी टीम लोग को भी क्वालिफाई होना है, वो लोग भी यार यही सेम चीज़ करेंगे, तो अपना बेस्ट से बेस्ट मैच देने का ट्राई करेंगे, एंड क्वालिफाई सिर्फ 2048 टीम ही आगे जा पाएगा, ठीक है। बहुत सारे लगभग 1-2 लाख प्लेयर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, बट उसमें से 2048 प्लेयर से आगे जा पाएंगे, तो तुम लोग का यार चांसेस हो सकता है, बट तुम लोग ऐसे अगर ट्राई करते हो तो ये चीज़ मेक श्योर यार याद रखना। बहुत लोगों को टीम यहाँ पे नहीं मिले, बहुत लोगों का प्लेयर नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, तुम लोग अपना टीम ID का जो कोड होता है वो कोड देके किसी और से चैट करके उसे अपना टीम में डाल सकते हो, एंड रिक्वेस्ट दे करके इन गेम अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वालिफाई के लिए जा सकते हो। तो कमेंट सेक्शन खाली है, एंड कुछ और भी डाउट वगैरह हो BGS टूर्नामेंट के रिलेटेड तुम लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, एंड अपने टीममेट के साथ जरूर शेयर।